सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियोज। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अजय देवगन सर की न्यू मूवी, जिसका नाम है तानाजी द अनसंग वॉरियर। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सिंगम कहे जाने वाले अजय देवगन नई नई मूवीज़ करते जा रहे हैं। उनकी मास एंटरटेनमेंट मूवी हो, कॉमेडी मूवी हो, थ्रिलर मूवी हो, हिस्टोरिक मूवी हो, लोगों ने सब पे पॉजिटिव रिव्यूज़ दिया है, सब पे थम्स अप दिया है। मूवी कलेक्शन भी उसी तरह से कर रही है। ऐसा नहीं कि अजय देवगन की एक ही साइड पॉजिटिव हो, यानी कि एक ही साइड स्ट्रांग हो। काफ़ी एक्टर्स होते हैं जिनकी मास मूवीज़ जो आती हैं वही चलती है। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनकी कॉमेडी मूवीज़ ही रन करती है, कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको लोग हिस्टोरिक मूवीज़ में देखना पसंद करते हैं। लेकिन अजय देवगन कुछ एक ऐसे एक्टर्स में से एक है जिन्हें लोग कॉमेडी में भी देखते हैं, हिस्टोरिक मूवीज़ में भी पसंद करते हैं। कॉमेडी में तो करते ही करते हैं, लेकिन एक्शन और मास एंटरटेनमेंट मूवी में भी पसंद करते हैं, और एक रेयर जॉनर है थ्रिलर एक्शन, उसमें भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। कलेक्शन बहुत अच्छा मूवी का हो रहा है। मूवी ने अपने 15th डे में जो ऑफिशियल इंडिया में कलेक्शन किया है वो है 7 करोड़ 2 लाख। टोटल कलेक्शन हो चुका है 197 करोड़ 45 लाख और वर्ल्ड वाइड में 258 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। सिंपल सी बात है, ये कलेक्शन सुपरहिट कलेक्शन है और मूवी ऑफिशियली सुपरहिट डुपर हिट हो चुकी है। 200 करोड़ होता है क्रॉस, ब्लॉकबस्टर ऑफिशियली हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको याद होगा तो मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भले ही बॉक्स ऑफिस में लॉन्ग रन में उसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया हो, लेकिन वो एक लौती ऐसी मूवी नहीं होने वाली। मुझे लगता है कि तानाजी भी वैसा ही कलेक्शन करेगी और डेफिनेटली तानाजी भी उसी तरह से कलेक्शन कर रही है। और लॉन्ग रन अभी बहुत ज़्यादा है इस मूवी का, कम से कम 2 वीक तो कहीं नहीं गए। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सीना तान के कलेक्शन करेगी। अब अगर आपसे बात करूँ, 16th डे यानी आज के दिन की रिपोर्ट्स अच्छी हैं, ऑक्युपेंसी भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर मूवीज़ जो रिलीज़ हुई है। क्योंकि कंपटीशन जब किसी मूवीज़ को देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रीट डांसर से, पंगा से, इन मूवीज़ से जब कंपटीशन देखने को मिला तो ऑब्वियसली डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवी बहुत ही डाउन जाने वाली है। आज के दिन भी 4 करोड़ का मूवी अगर कलेक्शन करती है, टोटल कलेक्शन हो जाएगा 201 करोड़ 45 लाख। आज के दिन ऑफिशियली 200 करोड़ इंडिया में क्रॉस और मूवी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर। टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में हो जाएगा 263 करोड़ का। अगर आपसे बात करूँ डे 7 की, यानी कि मूवी के कल के दिन की रिस्पॉन्स, कल देखिए सैटरडे होगा, हाफ डे हॉलीडे होने वाला है, मूवी के कलेक्शन में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर मूवी 7 करोड़ का कलेक्शन भी करती है, टोटल कलेक्शन हो जाएगा 208 करोड़ 45 लाख। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी 272 करोड़ का कलेक्शन कम्प्लीट कर जाएगी, यानी कि 300 करोड़ मूवी के लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और मुझे लगता है ये मूवी अजय देवगन सर के करियर की भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए